हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। भाई, जो आज डिवाइस होने वाली है वो बहुत ही स्पेशल है। वो इस वजह से क्योंकि एक तो कम बजट में है और वो बहुत अच्छे फीचर्स प्रोवाइड कर रही है और कंपीट कर रही है अदर डिवाइसेस से। उसमें वीवो V29 भी आता है जो 1.5 लाख की प्राइस में आता है, बट इसकी डिवाइस उससे हाफ से भी कम है। एग्जैक्ट आपको प्राइस में वीडियो के एंड में बताता हूँ। वीडियो को आगाज करते हैं। इस वीडियो को आगाज करने से पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करके जाना ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, मुझसे कोई सजेशन लेना चाहते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल आपके सामने शो हो रहा है, फाज मिर्ज़ा ऑफिशियल के नाम से मेरा यूजर नेम है। और ये मोबाइल हमें प्रोवाइड किया अभी हमारी अपनी शॉप ने, जमजम मोबाइल शॉप ने। डिटेल्स आपके सामने शो हो रही है। आप उनसे एक भी डिवाइस परचेज कर सकते हैं, होलसेल पर भी डिवाइसेस परचेज कर सकते हैं। सो वीडियो शुरू करते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। भाई, जो आज हमें डिवाइस प्रोवाइड की है वो है टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस, विच इज बेस्ट डिवाइस इन टेक्नो। ठीक है, मेरी पर्सनली ओपिनियन अगर ली जाए ना, मैं खुद इस डिवाइस को परचेज करना चाह रहा हूं। बट इसका भाई जो प्रोसेसर, फीचर, ईच एंड एवरीथिंग लुक, भाई एक्सप्लेन किया जाए तो ब्यूटी विद ब्रेन्स इसको कहा जा सकता है। इसके अंदर फीचर्स भी दिए गए हैं, इसके अंदर खूबसूरती भी डाली गई है, ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर प्रोवाइड किया गया है। और ये जो हमें कलर प्रोवाइड किया है वो है टेम्पोरल ऑर्बिट्स में। हमारे पास ये है 8 GB 256 GB में, 8 GB रैम 256 GB मेमोरी के साथ। सो इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। सो लेट्स गो भाई। सबसे हमें पहले प्रोवाइड किया जाता है इसका बॉक्स। बॉक्स के अंदर देखते हैं हमें क्या मिलता है। नाइस, एक ग्लास, ठीक है, विद कर्व्ड ग्लास मिलता है इसके साथ हमें। नाइस, एंड देन इसके साथ हमें ये इंस्टॉलेशन के लिए, ग्लास को इंस्टॉल करने के लिए, लगाने के लिए, इसके लिए हमें वो सामान दिया जाता है। इसमें एक लिक्विड होगा मे बी, और एक टिश्यू पेपर होगा छोटा सा कपड़ा नुमा। ये वारंटी कार्ड हो गया इसका। और ये हमें मिलता है इसका सिलिकॉन ग्लास विच इज प्रीमियम एंड लुकिंग गुड। सो इन तीनों को हम साइड पे करते हैं, इसका ख्याल रखते हैं ग्लास को, ठीक है, क्योंकि ये भाई मिलता ही नहीं है मार्केट में, अवेलेबल ही नहीं होती फॉर चीज। ये इसकी हमारी डिवाइस हो गई, डिवाइस को एंड में देखते हैं। उससे पहले हम अंदर देख लेते हैं हमें क्या मिलता है। हमें चार्जर मिलता है एंड प्लस केबल। केबल हमें प्रोवाइड होते हैं टाइप टू टाइप सी, एंड चार्जर हमें प्रोवाइड किया जाता है 33 वॉट फास्ट चार्जर विच इज गुड। अच्छी टाइमिंग ये हमें प्रोवाइड करेगा चार्ज होने में। सो इन सब चीजों को साइड पे करते हैं और हम हमारे अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं हमारे मोबाइल की। और इसकी फर्स्ट लुक आप देख के यकीन करें आप हैरत अंगेज हो जाएंगे। ये इतनी प्यारी लुक इस प्राइस ब्रैकेट में मिल रही है तो आपका भी दिल करेगा भी ये डिवाइस लेने का। सो चलो हम इसको अनरैप करते हैं। नाइस, यार इतनी प्यारी चीज दिल जीत लिया यार। यकीन मानो मैंने इसकी अनबॉक्सिंग नहीं की थी, मैंने इसको जस्ट वीडियोस में और इसके पेनाफ्लेक्सेस देखे थे, बट ये जब हाथ में ये चीज मुझे मिली है ना, यकीन माने इस जैसी डिवाइस नहीं है। बहुत ही प्यारी लुक, बहुत ही प्यारा इसका टेक्सचर, इसकी लुक, इसके अंदर जो ग्रिप है ना, यकीन मानो फील करा दिया। साइड में दिया जाता है अभी वॉल्यूम की, वॉल्यूम बटन, इसका लॉक अनलॉक की, ऊपर इसका एक्स्ट्रा माइक जो नॉइस कैंसिलेशन के लिए ज्यादा यूज किया जाता है, स्पीकर ग्रिल यहाँ है बेसिकली, ठीक है। नीचे सिम स्लॉट दी जाती है टाइप सी और स्पीकर ग्रिल माइक, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। पीछे एक बहुत बड़ा यूनिक डिजाइन, और यकीन मानो ये यहाँ पे जो पैटर्न दिया गया है ये ग्लास में, बट इसके अंदर जो टेक्सचर है ना वो डॉटेड दिया गया है, ठीक है, फील नहीं हो रहा बट अंदर है। इसके बैक पे नीचे मैट है, टेक्नो स्पार्क की ये ब्रांडिंग है, एंड जो इसका लेंस बाहर निकला है और जो इसके अंदर खूबसूरती नजर आ रही है ना हाथ में पिक किए हुए, वो बहुत खूबसूरत है। और प्लस इसके अंदर जो फ्लैश लाइट दी गई है वो भी यूनिक डिजाइन की दी गई है, बेसिकली एक लाइट होती है बट इसमें चार लाइट दी गई है और वो बिल्कुल लाइन में रो में नजर आ रही है। सो इसको हम स्टार्टअप करते हैं, इसको ऑन करते हैं और फिर आपको सारे फीचर्स इसके बताते हैं। चलो भाई, सेटअप इसका कंप्लीट हो चुका है। भाई जो इसका डिस्प्ले वाइज एक्सपीरियंस है ना, एक तो वो बहुत प्यारा है, बहुत खास है, और सबसे खास बात भाई ये बहुत स्लिम एंड स्लीक डिवाइस है। इसके साथ ये 5000 mAh के साथ आता है, जो बंदे आप अपने डिवाइस में बैटरी टाइमिंग बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं,
उनके लिए जो बेस्ट ये डिवाइस होने वाली है, एक तो बहुत ही कम वेट में है और इसके अंदर 5000 mAh है, प्लस इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट। आपके सामने इसका मैं सेटअप कंप्लीट किया फिंगरप्रिंट का, और कितना फास्ट वर्क कर रहा है, बहुत ही फास्ट, यकीन माने मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। प्लस पंच और डिस्प्ले विच इज अगेन अ गुड थिंग, एंड बहुत फास्ट है यार, बहुत स्मूथ है। थिकनेस की अगर बात करते हैं इसकी, तो ये 7.6 mm के साथ आता है, यकीन मानो बहुत स्लिम है। आप अपने हाथ में इसको पिक करके देखें, ये आपको बहुत ही लाइट सा प्रोवाइड करेगा। और ये 175 ग्राम वेट के साथ आता है, 5000 mAh बैटरी होने के बावजूद भी 175 ग्राम, यकीन माने बिल्कुल लाइट है। ये मैंने जो घड़ी पहनी हुई है इसके बराबर इसका वेट है। आप इसका साइज देखें और इसका साइज देखें, तो कंपेरिजन किया जाए तो ये ज्यादा वेट होना चाहिए था, लेकिन बिल्कुल लाइट वेट डिवाइस है ये। डिस्प्ले की अगर बात करते हैं तो भाई कर्व्ड डिस्प्ले, बिल्कुल एग्जैक्ट डिस्प्ले इसका दिया गया है, यकीन माने बहुत ही खूबसूरत लुक के साथ, विद 120 Hz स्मूथनेस किसके आपको मैं चेक कराता हूं। यकीन माने ये बहुत ही मलाई की तरह ही चल रहा है, बिल्कुल स्मूथेस्ट डिवाइस एवर। मैंने अपने अनबॉक्सिंग में जितने भी डिवाइसेस देखे हैं उन सब में ये सबसे ज्यादा स्मूथ डिवाइस है, विद 1080p रेजोल्यूशन। मतलब आपको रेजोल्यूशन की कमी नहीं देगा, स्मूथनेस की कमी नहीं देगा, विद कर्व डिस्प्ले का मजा तो अलग ही देगा। प्रोसेसर की बात की जाए तो इसमें G99 अल्टीमेट लगाया जाता है, जो कि कहते हैं कि भाई टेक्नो का एक अच्छा प्रोसेसर इन अच्छे डिवाइसेस में लगाया जा रहा है, और एंड्रॉयड वर्जन 14 के साथ ही आता है। अनबॉक्सिंग करते ही आगे अपडेट्स देगा ये ऑब्वियसली। इसकी रैम रोम की बात करें तो ये 8GB+8GB के साथ आता है, एक्सपेंडेबल हो जाती है आपका, मतलब अच्छा यूज हो जाता है विद 256GB रोम के साथ। तो मेमोरी की तो मतलब आप टेंशन ले ही ना, बहुत इसके अंदर मेमोरी मिलेगी आपको, और स्क्रीन साइज भी अच्छा है, लुक वाइज भी अच्छा है, डिवाइस मेरे लिहाज से परफेक्ट है। आखिरी चीज अगर इसमें हम अगर देखें कैमरा वाइज आपको मैं अपने ओपिनियन से बता देता हूँ, बट फ्रंट है इसका 32 MP और बैक है इसका भाई 108 MP बैक कैमरा है, जो के अच्छा माना जाए, अच्छा कंसीडर कीजिए। शार्पनेस तो इसमें अच्छी है, और टेक्नो का मैंने जितने भी डिवाइसेज यूज किए हैं शार्पनेस अच्छी है, बट कलर वाइज थोड़े से फीके रह जाते हैं। इसमें भी कलर वाइज ठीक है, बुरा नहीं है। डे टाइम रेजोल्यूशन और डिवाइस प्रोवाइड करती है, कोई भी हो याद रखना, आईफोन डिवाइस है या एंड्रॉइड डिवाइस है, डे टाइम उसका रेजोल्यूशन और होता है और रात के वक्त उसका रेजोल्यूशन और होता है। जो ये मैं कमरे में बैठ के वीडियो बनाता हूं, ये लाइटिंग का सारा कमाल है जो कि आईफोन कवर कर लेता है, बट एंड्रॉइड के लिए अगर डे टाइम आप अगर वीडियो कोई तस्वीर बनाते हो तो उसका रेजोल्यूशन आपको बहुत अच्छा मिलेगा, विद 32 MP फ्रंट, प्लस बैक कैमरा भी अच्छा है, HDR बैकलाइट के साथ आता है, और इसके अंदर मिनिमम हम वीडियो को देखते हैं किस FPS पे और किस रेजोल्यूशन पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, 2K रेजोल्यूशन के साथ 30 FPS के साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो के प्रीटी गुड है। इससे आप व्लॉगिंग कर सकते हो। एक मिनट में वाइड एंगल देखते हो, इसके अंदर वाइड एंगल है? नो भाई, वाइड एंगल वीडियो में नहीं है। बाकी डेटा आपको अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, एंड इसकी फ्लैश लाइट भी हमने देखनी थी वो भी देख लेते हैं भाई। ये नाइस, ये देखें फ्लैश लाइट कितनी प्यारी यूज हो रही है, ये देखें यहाँ से, बहुत ही अच्छी डिवाइस है, बहुत ही कमाल की, मेरी पर्सनल ओपिनियन से मुझे पसंद आई है। डिवाइस ले लें, इसमें कोई खामी नहीं है, और टेम्पोरल ऑर्बिट्स नाम कुछ और है, कलर का कुछ और है, तो मतलब ब्लैक वाइज शेड दे रहा है, सिल्वर वाइज भी शेड दे रहा है, हर किसी की अपनी चॉइस है। इसमें और कलर्स भी अवेलेबल है, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं डिवाइस और कलर्स, देख के आपके सामने डिवाइसेस शो हो जाएंगी। भाई डिवाइस की अगर प्राइस की बात की जाए तो उसमें आप हिलने वाले हो, 54,909 rupees का अवेलेबल है पाकिस्तान में, जब तक मोबाइल शॉप से ऑर्डर करें, डिटेल्स आपके सामने शो हो रही है। डिवाइस बेस्ट है, आप लोग बेस्ट हो तो किस चीज की देर है। और मुझसे अगर कोई रابطہ करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पे रابطہ कर सकते हैं, ये मेरा यूजर नेम आपके सामने शो हो रहा है, फार मुश्ताक ऑफिशियल के नाम पे मेरा यूजर नेम और हैंडल है, जाके सर्च कर सकते हैं और मुझसे कोई भी सजेशन ले सकते हैं। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करके जाना था कि मेरे आने वाले हर एक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अरे डायरेक्टर साहब कुछ तो बोलिए। Thank you.